हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज है 19 जुलाई, जो मंगल पांडे जी का बर्थडे था, मतलब उनका मतलब जयंती है आज 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1827 में इनका जन्म हुआ था। आज इनके बायोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके बायोग्राफी के बारे में। तो ये पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जो मतलब भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए आंदोलन या क्रांति फैलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान पहले ही है। इन्होंने पहले कदम उठाया था इसके मतलब भारत को आजाद कराने के लिए बोले, या फिर क्रांति का बिगुल इन्होंने ही बजाया था। तो देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत करने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का आज यानी 19 जुलाई को 195वां वर्षगांठ है। तो इनका 195वां आज बर्थडे है। तो इनके बारे में आज पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, मतलब इनकी बायोग्राफी को जानेंगे। तो मंगल पांडे देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का आज 19 जुलाई को 195वां जन्मदिन है। मंगल पांडे ने देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की जो चिंगारी जलाई थी, वह कहीं ज्वाला का रूप ना ले ले, इस डर से अंग्रेज प्रशासन ने उन्हें फांसी की सजा तय दिन के 10 दिन पहले ही दे दी थी। तो आइए, अमर शहीद मंगल पांडे के जन्म दिवस पर हम जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें। तो बात करते हैं, ये बलिया के रहने वाले थे। और इनके बारे में बात करें तो देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह सरायू पारेड़ ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माँ का नाम अभय रानी पांडे था। उनका मतलब बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। 1849 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब BNI बटालियन की 34वीं रेजिमेंट में पैदल सेना के सिपाही के रूप में भर्ती किए गए थे। इस रेजिमेंट में ज्यादातर ब्राह्मणों को ही भर्ती किया जाता था। और बात करें तो कैसे शुरू हुआ 1857 का विद्रोह, तो 1856 से पहले तक अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही ब्राउन ब्रीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए एनफील्ड P-53 लाई गई। इस बंदूक को लोड करने के लिए पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। इसी समय भारतीय सिपाही के बीच यह बात फैल गई कि इस राइफल में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा। इसी वजह से क्या हुआ, सिपाहियों द्वारा इसे ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुसलमान धर्म को भ्रष्ट करने की सोची समझी साजिश कही जाने लगी। इस विद्रोह के पीछे एक और कहानी भी है। लेफ्टिनेंट JN राइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक बार एक नीची जाति के खलासी ने ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा जाहिर की, तो उसने उसे यह कहकर पानी पिलाने से मना कर दिया कि इससे उसका लोटा अशुद्ध हो जाएगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उस नीची जाति के व्यक्ति ने कहा कि जल्दी तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा जब तुम्हें सूअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस का मुंह काटना पड़ेगा। इस घटना के बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और अंग्रेजी सरकार भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश कर रही थी। आगे देखते हैं क्या हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे मंगल पांडे। फिर बात करते हैं कैसे शुरू हुआ 1857 के विद्रोह की बात। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले भारतीय जो सैनिक थे मंगल पांडे, उनके बारे में अच्छे से। तो बंगाल के बैरकपुर छावनी में क्या हुआ था, 2 फरवरी को 1857 को शाम की परेड में सैनिकों ने एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों का विरोध किया। मंगल पांडे ने सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया
और भारतीय सिपाहियों को भी ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए तैयार कर लिया। मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों को का नारा दिया। अंग्रेजों के वफादार सैनिकों ने इस विद्रोह की खबर अंग्रेज अफसरों को दे दी। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को 5:10 पर जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तब परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बो पहुंचे। मंगल पांडे ने उन्हें देखते ही उन पर गोली चला दी। गोली घोड़े के पैर में लगी। बो ने मंगल पांडे पर गोली चलाई लेकिन उनका निशाना चूक गया था। इसी बीच सार्जेंट मेयर ह्यूसन भी आए। वह और बो दोनों ने अपनी तलवारें निकाली। मंगल पांडे ने उन पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। वहां मौजूद भारतीय सैनिकों में से कोई भी अंग्रेज अफसर की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी शेख पलटू नाम के सैनिक ने मंगल पांडे को पीछे की तरफ से कमर से पकड़ लिया और दोनों ने दो अंग्रेज अफसर वहां से बच निकले। फिर क्या हुआ? मंगल पांडे ने खुद को गोली मारने की कोशिश भी की थी। तो क्यों की थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस घटना के बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल SG वेलर ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से पूरी तरह से मना कर दिया। इसी बीच डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियरसे भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी पिस्टल हवा में लहराते हुए कहा कि मेरे आदेश पर अगर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। इस बार सैनिक ने उनकी बातें सुनी। अभी सभी सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंगल पांडे ने बंदूक की नली अपने सीने की तरफ करके अपने पैर की उंगली से बंदूक को दबा घोड़ा मतलब बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली मंगल पांडे के सीने और गर्दन को घायल करके आगे निकल गई। उनके कोट में आग लग गई। मंगल पांडे पेट के बल गिर गए। मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार करके अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे को फांसी की सजा कैसे दी गई, इसके बारे में बात करें तो मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले ही शेख पलटू का प्रमोशन कर दिया गया। कोर्ट मार्शल के दौरान मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि इस मामले में उनका कोई साथी नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों को विरोधी का दर्जा देती थी और अंग्रेज अफसर पर हमले का मतलब साफ तौर पर अपनी मौत का वारंट खुद निकलवाना होता था। इसलिए सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे की मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन को डर था कि तब तक विद्रोह देश के पूरे इलाके में ना फैल जाए। इसलिए तय समय से 10 दिन पहले 8 अप्रैल सुबह 5:30 बजे ही उनके साथी सैनिकों के सामने 30 वर्ष की कम उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी गई। और फांसी देते समय जल्लाद भी मंगल पांडे को फांसी नहीं देना चाहता था, लेकिन अंग्रेज के दबाव में उन्हें यह काम करना पड़ा। लोगों ने अंग्रेजों के इस फैसले का जमकर विरोध किया। अब हर किसी को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम सैनिकों और देशवासी मिलकर लड़े तो अंग्रेज की कोई औकात नहीं, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। अब ये बात सैनिक और आम लोग भी महसूस करने लगे थे। इस तरह हुआ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो मंगल पांडे शहीद होने से मतलब क्या हुआ, पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को यह सोचकर तय समय से पहले फांसी दी कि इस तरह से वे स्थिति को काबू पा लेंगे और विद्रोह को कई जगह भड़कने से रोक लेंगे। लेकिन मंगल पांडे की मौत के बाद विद्रोह की चिंगारी कई सैनिक छावनियों में मतलब छावनियों में फैल गई। कई सैनिकों विद्रोह करने लगे। अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को मंगल पांडे के सरनेम पैंडिज नाम से पुकारना शुरू कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों से क्रांति की खबरें आने लगी। 20 अप्रैल 1857 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाही ने ही पुलिस चौकी में आग लगा दी। 3 मई 1857 मेरठ में भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के विद्रोह से यह चिंगारी पूरे पश्चिम भारत उत्तर भारत के साथ साथ पूरे देश में फैल गई। 30 मई को लखनऊ और पुरानी लखनऊ समेत चिनहट इस्माइलगंज में किसानों मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई और इस तरह 1857 की क्रांति के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ।
विद्रोह की सजा दी गई 34वें रेजिमेंट को। तो मंगल पांडे के विद्रोह की सामूहिक सजा के रूप में 34वें रेजिमेंट को 1857 में भंग कर दिया गया। तब निकाले गए सभी सैनिकों ने विरोध जताते हुए ग्राउंड से निकलने से पहले अपनी टोपी को जमीन पर फेंक कर कुचल दिया था। आगे अब इनके बारे में लास्ट में हम बात करते हैं। 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में डाक टिकट भी जारी हुआ और इन पे बहुत सारी मूवी मतलब बहुत सारी मूवी भी इन पे बनी है और इनको सम्मान के लिए देश हमेशा नमन करता है इनको। और ठीक है, तो ऐसे महान सेनानी को याद करते हुए हम इस बायोग्राफी को ख़त्म करते हैं और आई होप कि देश के ऐसे सेनानियों को आप भी याद करेंगे और इनको नमन करेंगे। ठीक है, ये रहा इनका बायोग्राफी। इन्होंने बहुत ही योगदान दिया भारत को आज़ाद कराने के लिए, बिगुल बजाने के लिए, क्रांति का। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।